वेलकम बैक जी, मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ, दांतों की सेहत और दांतों की हिफाजत के हवाले से। मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर सारा हुसैन, जो कि डेंटल सर्जन हैं स्टॉकपोर्ट में। इनकी दो अपनी प्रैक्टिसेज हैं, इसके साथ साथ वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये प्रोग्राम आपके आप तक पहुँचाया जा रहा है APPS UK के तआवुन से। अज़र भाई ने ब्रेक से पहले मैनचेस्टर से जी फ़ोन किया था, तो डेंचर के हवाले से उन्होंने बात जी की थी। तो डेंचर क्या अल्टरनेटिव यही है या इसके अलावा कोई और भी जी अल्टरनेटिव है? जी डेंचर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कई लोगों का ख्याल है कि आपको बस एक सेट डेंचर्स का आपकी पूरी उम्र लास्ट करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप हर 5 से 6 सालों के बाद अपने डेंचर्स कम्प्लीटली रिन्यू करवाएं, क्योंकि जो आपका जो माउथ है उसकी शेप चेंज होती है और होती रहती है, तो 5 या 6 साल के बाद इतनी चेंज हो जाती है कि जो आपका ओरिजिनल जो आपका सांचा बना था, मॉडल बना था, वो अब आपके डेंचर्स की फिटिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो उतनी जो फंक्शन उनका जो पहले था वो वाला नहीं रहेगा। इसलिए एवरी 5 to 6 ईयर्स डेंचर्स को चेंज करवाने चाहिए। इसके दरमियान जो है आपको डेंचर्स की टाइटनिंग भी आप करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रीलाइन। तो अच्छा, वो एक नया इंप्रेशन होता है, मोल्ड वही होता है डेंचर का, लेकिन उसके अंदर एक टाइटनिंग का इंप्रेशन लिया जाता है और एक नई लेयर डाली जाती है अंदर, ताकि वो फिटिंग थोड़ी पहले से बेहतर हो। लेकिन फिर भी 5 या 6 ईयर्स के बाद एक नया डेंचर बनवाना चाहिए। जो डेंचर की फिटिंग है, अगर अच्छी फिटिंग नहीं होती आपके माउथ में, आपके दांतों के, अगर आपके दांत हैं तो वो जो रिमेनिंग दांतों के साथ अगर आपका डेंचर लूज है तो वो उनको भी डैमेज कर सकता है। कई पेशेंट्स ये रियलाइज़ नहीं करते कि डेंचर एक अप्लायंस है, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हम कहते हैं, प्लास्टिक का या मेटल के भी होते हैं, वो आप अपने मुंह में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको आपको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। डेंचर बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, जैसे आप दांतों को ब्रश करते हैं वैसे डेंचर को भी ब्रश करें, साफ़ करें, ताकि जो भी जर्रे और जो कीड़े दांतों को लगते हैं वो डेंचर पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप डेंचर को हर रोज़ अच्छी तरह से सुबह को भी रात को भी साफ़ करके रखें। अगर आपके प्लास्टिक के डेंचर हैं तो वो आप रात को निकाल कर सोएं। मैं कई पेशेंट्स ये इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि डेंचर्स को निकाल कर सोना चाहिए, ना कि उनको मुंह में डालकर। मैं अपने पेशेंट्स को ये एग्जांपल दिया करती हूँ कि आप अपने जूते पहन के तो नहीं सोते, तो इसी तरह अगर आप ये सोचें कि डेंचर भी एक फॉरन ऑब्जेक्ट है, अप्लायंस है, प्लास्टिक की चीज़ है, वो आप निकालें फिर सोएं, और निकाल के आप उसको पानी के कप में या पानी के कंटेनर में रखें, ताकि जो प्लास्टिक है वो श्रिंक ना होए। तो डेंचर्स को निकाल के गम्स को, माउथ को रेस्ट देना चाहिए रातों रात, बिल्कुल। ताकि वो और सारा हेल्थी रहें। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस जी वक्त ब्रैडफोर्ड से एम खान दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत डॉक्टर साहब, पहला ये पूछना है कि दूध पी कर बगैर बुझ किए हुए सो जाने के दांतों को इफेक्ट तो नहीं करता, और दूसरा गर्म चीज खा कर फौरन ठंडा पीना, जूस पीना, ये दांतों को अफेक्ट तो नहीं करता? मतलब गर्म चाय पी ली, ठीक, वो बड़ी मीठी चाय, गर्म चाय, उसके बाद फौरन यानी ठंडा पानी पी लेना, या कोई मीठी हलवा खा लेना, या चावल खा लेना, उसके बाद फौरन ठंडा पानी पी लेना, ये कोई दांतों को अफेक्ट तो नहीं करते? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छे सवाल है, इंशाल्लाह इस पर जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात कर रहे थे डेंचर की, तो जी डेंचर से एक और सवाल भी आया है कि डेंचर से रोटी वगैरह खाना वाना आप खा सकते जी हैं या? जी जी खा सकते हैं आप, और इसी वजह से उनकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत टाइट फिटिंग होनी चाहिए। अगर लूज होएंगे तो खाते वक्त भी आपको दर्द होएगा या सही तरह चबाया नहीं जाएगा, तो उनकी फिटिंग ज़रूरी है। अजर भाई ने ये भी कहा था कि इसका कोई अल्टरनेटिव जी है डेंचर के अलावा, कोई और जी भी इसका जी अल्टरनेटिव है या डेंचर ही है? जी जी अगर आपके पार्ट डेंचर हैं, जिसे हम पार्शल डेंचर्स कहते हैं, यानी आपके अपने भी कुछ दांत हैं और जो मिसिंग है उस जगह में डेंचर हैं, तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं उन आपके जो रिमेनिंग दांत हैं उनको इस्तेमाल में लाकर। एक एक दूसरी ऑप्शन होती है ब्रिज, यानी कि जो गैप है उसके जो साइडों पर जो दांत हैं उनको इस्तेमाल में लाकर उनके ऊपर क्राउन या कवर चढ़ाकर एक नकली ब्रिज बनाना जो फिक्स्ड होती है। अच्छा। ये निकाली नहीं जाती, फिक्स्ड होती है, लेकिन इस ऑप्शन में आपके जो अपने दांत होते हैं वो भी सेक्रीफाइस हो जाते हैं, क्योंकि उनको कवर करना पड़ता है। एक और ऑप्शन है इम्प्लांट की, जो दांतों
को रिप्लेस करती है। जो साथ वाले दांत होते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल जो गैप है उसके अंदर एक स्क्रू डाला जाता है, वो आपकी जहाँ रूट होती होगी आपकी जो अगर आपके दांत होते जहाँ रूट होती उस जगह पे एक स्क्रू डाला जाता है और उसके ऊपर फिर एक नकली कैप लगाई जाती है। तो ये भी एक फिक्स्ड ऑप्शन है, सर्जरी के ज़रिए ये स्क्रू डाला जाता है जॉ के बोन में और उसके ऊपर फिर एक नकली क्राउन चढ़ाया जाता है। तो ये परमानेंट ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा स्पेशलिस्ट में आ जाता है काम। ठीक है, और बिल्कुल जी इस पे बात होगी। अब ये एम खान साहब ने फ़ोन किया था, दूध पीकर जी बगैर ब्रश किए रात को सो जाना चाहिए, इससे कोई दांतों पे फ़र्क पड़ेगा? जी रात को बगैर ब्रश किए बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आप कुछ भी पिए या खाएं लेकिन ब्रश ज़रूर करना चाहिए। आपका जो आखिरी काम है सोने से पहले ब्रश होना चाहिए, क्योंकि रातों रात जो आपने पूरे दिन के जो जो खाना पीना है, जो ज़रें हैं, जो जरासीम है, अगर आप उनको नहीं साफ़ करेंगे तो रातों रात उनको मौका मिलेगा कि आपके दांतों को, आपको गम्स को अटैक करें। तो और रात रात में जो आपके मुंह का जो नेचुरल डिफेंस होता है, थूक होता है, सलाइवा जिसे हम कहते हैं, वो भी कम हो जाता है रातों रात। तो जो जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है और इस एनवायरनमेंट में तो जरासीम को और ताकत मिलती है, इसलिए रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और दूध में तो वैसे भी नेचुरल शुगर्स होती हैं, तो जो शुगर है वो एक फूड है जरासीम के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए। अच्छा, दूसरा उनका सवाल है कि जब गर्म आप चीज़ खाते हैं जैसे चाय पीते हैं और उसके बाद फ़ौरन पानी पीते हैं, जैसे हमने आपको इलायची वाली चाय पिलाई और उसके बाद पानी दिया, तो ये दांतों के लिए नुकसानदेह है या नहीं? बहुत मज़ेदार थी इलायची वाली चाय। जी जो अगर आप गर्म चीज़ पीते हैं या खाते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन बाद ठंडी चीज़ लेते हैं, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो जो दांत होते हैं बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो उनको बहुत गर्म चीज़ या बहुत ठंडी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, और लोग होते हैं जिनको नहीं ये प्रॉब्लम होती। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ लोगों को पड़ेगा, तो आप अवॉइड करें तो बेहतर है। बिल्कुल जी, अब बहुत अच्छे अच्छे मशवरे आपको मिल रहे हैं। डॉक्टर सारा हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं और माशाल्लाह इनकी स्टॉकपोर्ट में दो अपनी प्रैक्टिसेस हैं। पिछले साल आई थी तो एक प्रैक्टिस थी, इस साल आई दो, अगले साल जब आएंगी तो तीन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आप दांतों की सेहत के हवाले से, बच्चों की, बड़ों की, डेंचर के हवाले से, मसवाक के हवाले से और जो भी कोई सवाल आपके जहन में है, वो अगर उस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इसके साथ साथ आप ईमेल कर सकते हैं health@ummachannel.tv। तो जब बात आती है गम्स की और मसूड़ों की जी, तो क्या वजह होती है कि मसूड़े हमारे जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं या उनमें खून निकलने लगता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी कुछ लोगों को जो गम्स होते हैं, कुछ लोगों की वो नेचुरली ही इतनी मज़बूत नहीं होती, वीक होती हैं, उनको नेचुरली ये अपने पेरेंट्स से ये जेनेटिकली ये वीक गम्स मिली होती हैं। अच्छा। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी गम डिज़ीज़ को रिकग्नाइज़ करें और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको अपनाएँ और अर्ली स्टेज से अपनाएँ। तो गम डिज़ीज़ जो है वो है कि आपकी गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जो जरासीम होते हैं मुँह, और मुँह के अंदर बहुत सारे जरासीम नेचुरली होते हैं। रिसर्च में बताती है कि 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ के जरासीम हमारे मुँह में ऑन अ नॉर्मल बेसिस होते हैं। तो ये जो जरासीम होते हैं इनको हमने रेगुलरली साफ़ करना है और दांतों की सफाई करनी है, गम्स की सफाई करनी है, तो इनको कम करते रहना है ताकि ये ज़्यादा ना बढ़ें और ज़्यादा हमें तकलीफ़ या गम प्रॉब्लम्स ना दें। तो गम डिज़ीज़ बेसिकली ये है कि आपके गम्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो सफाई है वो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, आपने ब्रश करने का तो बताया लेकिन कुछ हमारे बहन भाई ट्रेडिशनली मसवाक का इस्तेमाल करते हैं, तो मसवाक भी उतनी इफेक्टिव है या आप समझते हैं कि ब्रश भी? जी मसवाक में भी कुछ रिसर्च की चुकी है और वो रिसर्च हमें बताती है कि मसवाक में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब हम मसवाक यूज़ करते हैं तो वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हमें मदद करती हैं कि हम जो बैक्टीरिया दांतों पे लगे हुए हैं उनको साफ़ करने में, और वैसे भी वो ब्रिसल की तरह ही होता है, तो आप उसको चबाते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं तो वो ब्रिसल्स आपकी दांतों को और गम्स को मसाज करती हैं, दांतों को साफ़ करती हैं। तो मसवाक करना अच्छी बात है और सुन्नत रसूल भी है जैसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलते हैं नेल्सन, बात करते हैं अब्दुल गफूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी।
ये डॉक्टर साहब से पूछें कि ये जो दंद हैं कुछ मेरे, वो मैं फिक्स कराना चाहता हूं, तो क्योंकि आप डॉक्टर फिक्स करती हैं दांत प्लीज, यानी पुराने निकाल के उनकी जगह नए फिक्स करती हैं। अच्छा बिल्कुल जी, इस पर बात करेंगे जी। आप दांत कितने सारे तकरीबन चले गए हैं या कुछ? नहीं जी, कुछ चले गए हैं, आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, तो आर्टिफिशियल गड़बड़ करते रहते हैं, तो मेरा दिल है कि ये मैं फिक्स करा दूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार नेल्सन से। तो जब दांत कुछ आर्टिफिशियल इन्होंने फिक्स करवाए, तो अब दांत फिक्स भी करती हैं? मेरा ख्याल है इनका मतलब है जो इम्प्लांट्स जिसकी बात हम कर रहे थे जी। हमारी, मैं खुद तो नहीं करती, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में हम इम्प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं जी। जी, और जी अगर हमारे बहन भाई अगर कोई डॉक्टर सारा हुसैन की कॉन्टैक्ट डिटेल लेना चाहते हैं, तो अपना अगर आप नंबर हमें दीजिएगा हमारे कंट्रोल रूम में, तो इंशाल्लाह हम सारे मैसेज उन तक पहुंचाएंगे और वो आपसे वो रब्ता कायम करेंगी। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो गम की जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि बहुत सी इसकी वजह हो सकती हैं जी, लेकिन जो आम वजह है खासतौर पर हमारी कम्युनिटी में, जो खाना पीना हमारा है, सिगरेट नोशी या पान का हमारा ज्यादा इस्तेमाल है, तो उस वजह से क्या क्या वजह है जो हमारी कम्युनिटी में ज्यादा इसका है इफेक्ट है जी? गम डिजीज का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक स्मोकिंग के साथ है, चाहे ये सिगरेट स्मोकिंग हो या पान में तंबाकू हो, तो जो तंबाकू है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जब भी हमें कोई पेशेंट के साथ हमारा कंसल्टेशन होता है और हम उनके डायग्नोसिस करते हैं कि आपके गम्स बहुत ख़राब हैं और इनको हमने इम्प्रूव करना है, तो पहला काम हम यही कहते हैं कि आप अपनी स्मोकिंग की जो हैबिट है इसको ख़त्म करें, रिड्यूस करें पहले और ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आदत बनी हुई होती है लोगों के लिए, बहुत मुश्किल आदत है ख़त्म करने के लिए। इसलिए हम पहले उनको सपोर्ट देते हैं कि आप एटलीस्ट कम करें, ताकि आप रिकॉग्नाइज करें कि ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है इसका आपके गम्स के ऊपर। तो कई बार लोग बात करते हैं, आजकल टीवी पर एडवर्ट्स भी आ रही हैं कि स्मोकिंग के साथ लंग कैंसर होता है, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत दूर की बात लगती है कि होए ना होए ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जब आपकी चेयर में, डेंटल चेयर में कोई बैठा हो और उनको दांतों से खून निकलता हुआ नजर आए गम से और फूले हुए हों और दांत भी लूज हों, फिर उनके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि ये स्मोकिंग का नतीजा है। तो वो थोड़ा सा स्मोकिंग सेसेशन जो एडवाइस होती है वो भी हम देते हैं कि लोग, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में स्मोकिंग भी बहुत है अनफॉर्चुनेटली, तो इसको ख़त्म करना बहुत अच्छी बात होगी गम डिजीज़ के हवाले से। और बिल्कुल आपने ये ठीक कहा है, अक्सर कुछ मुझे मैसेज मिल रहे हैं ईमेल के ज़रिए, और एक बहन पूछना चाह रही हैं कि अक्सर उनके मुंह से बदबू आती रहती है, और इसका कोई इलाज है या लिंक है कोई टूथपिके वगैरह से या गम वगैरह के ख़राब होने का? जी, जो बैड ब्रेथ होती है जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं, इसका कनेक्शन काफ़ी चीज़ों से है, डाइट से हो सकता है, आपकी डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जिससे स्मेल आ सकती है, अगर आपकी क्लीनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कई लोग ज़ुबान को नहीं ब्रश करते हैं, हालांकि जो माउथ कैविटी है उसका जो 40% हिस्सा है वो ज़ुबान है, तो अगर आप दांतों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करते हैं लेकिन ज़ुबान को नहीं ब्रश करते, तो वो जो जरासीम होते हैं वो ज़ुबान पर रह जाते हैं। तो ब्रशिंग के साथ साथ एंड पे आपको जुबान को भी जितना भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, ताकि वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए सुबह और शाम को। तो ये क्लीनिंग की इफ़ेक्ट हो सकती है जो बैड ब्रेथ है, और गम डिज़ीज़ अगेन, अगर आपको गम डिज़ीज़ है, खून गम्स में बढ़ता है, जरासीम बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से भी जो जरासीम आपके दांतों पे गम्स पे फीड करते हैं, उसकी जो मेटाबॉलिज्म की जो इफ़ेक्ट होती है वो भी स्मेल देती है, तो वो भी हो सकता है। तो ज़्यादा बात क्लीनिंग पे आती है, आप अपनी दांतों की ब्रशिंग को अगर आप 2 दफ़ा सुबह और रात को करते हैं, तो आप दिन में भी करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ खाने के बाद भी ब्रश कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, ताकि जो खाने पीने के ज़र्रे होते हैं उनको मौका ही ना मिले कि वो आपको कोई प्रॉब्लम दें। अच्छा, आपने बड़ा अहम पॉइंट लिया है कि जुबान को भी, क्योंकि अक्सर हम समझते नहीं हैं, क्योंकि दांतों की होती है तो दांतों पे टूथ पेस्ट लगा के दांतों को साफ करते हैं, तो जुबान को भी ब्रश करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में ये एक पॉइंट ऐसा है कि बहुत से हमारे बहन भाई, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आने से पहले 2 मिनट जी टूथ ब्रश किया था, मुझे पता था कि डेंटिस्ट आने वाले हैं तो उनके साथ बैठना भी है।
दो मिनट का ये जो होता है, लेकिन इसमें यह है कि टेक्निक जो है बहुत ज़रूरी होती है, जी क्योंकि अक्सर जिसे भी पूछे वो कहते हैं हम जी ब्रश करते हैं जी लेकिन कोई जल्दी जल्दी करते हैं कोई जी जिस, जी तो आप माशाल्लाह एक मॉडल जी भी आपके पास है, किसी मरीज के जी तो नहीं चुरा के नहीं लेके नहीं जी ये जिस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए जो मैं लेके मरीज, आई वैसे अगर मरीज हो बहुत बड़ा होगा ये, बहुत क्योंकि बड़ा मरीज आएगा जी, और ये बहुत जी ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लेकर आई हूँ। तो तो ये ब्रश भी बड़ा बड़े साइज जी का है, जी ये आम इस्तेमाल के लिए नहीं ये है, ये सिर्फ जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जस्ट के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के ये नहीं लिए कि आप है दुकान पे जाके कहेंगे इतना बड़ा ब्रश हमें चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। जी नहीं। तो बहुत लोग बहुत जल्दी में ब्रश करते हैं, पहले बात तो ये है कि आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए ज़रूर ब्रश करना चाहिए, और हम पहले बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों को भी ये आदत होनी चाहिए कि 2 मिनट्स के लिए ज़रूर ब्रश करना है। तो मैं अपने पेशेंट्स को कहा करती हूँ कि अगर बच्चे की कोई फेवरेट नर्सरी राइम है या कोई गाना है उनको पसंद है तो बैकग्राउंड में आप वो लगा दें, कई गाने 2 मिनट से ज़्यादा ही होते हैं, जी तो वो उनको ये रूटीन हो जाए कि गाना ख़त्म होएगा तो ब्रशिंग का सिलसिला ख़त्म होएगा। तो 2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रश करते हैं, खास करके जब बच्चे ब्रश करते हैं, वो उनको बस ये होता है कि आपने बस जल्दी बस जल्दी रगड़ना ही है, जहाँ जहाँ नजर आता है आगे वाले 2 दांत वो बस साफ हो जाए। हाँ। तो आपने ये आपने उनको सिखाना है कि नहीं, आपने आराम आराम से करना है, और जो ब्रश है उसको थोड़ा एंगल पे होना चाहिए। अच्छा, ये टेक्निक जी बड़ी अच्छी ये है। जी जी तो आपने एंगल पे करना है ताकि जो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो गम्स के नीचे तक पहुंचे, क्योंकि कई बार दांत बहुत साफ होते हैं लेकिन जहाँ जरासीम जो फंसे हुए होते हैं वो गम के नीचे, ये थोड़ा सा गटर सा होता है गम के नीचे, तो यहाँ वो फंसे हुए होते हैं। तो आपने अच्छी तरह से ब्रिसल्स को यहाँ से लगाना है ताकि वो अच्छी तरह से निकलें, और बाहर की ये जो है रोटेट करना है ब्रश को, ताकि आप ऐसी ऐसे गोल गोल आपने फेरना है, तो आपने फिर एंगल चेंज कर देना एंगल है। चेंज करना है, और कोशिश करना है कि आप पीछे तक जाएं। तो दांतों को ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना, बस गोल गोल, ताकि एक एक दांत पे आपका ब्रश ब्रश साफ करे और एक एक गम की जो लाइन है उसके नीचे तक ब्रश की ब्रिसल्स पहुंचे। और आपने मेक श्योर करना है कि दांत के जो सब सर्फेसेस हैं उनको भी साफ करना है। तो आपने दांतों को जो पीछे वाले दांत हैं उनको ऊपर से भी ऐसे आगे पीछे जाकर ये भी साफ सर्फेस को साफ करना है, अंदर से फिर आपने गोल गोल करना है ताकि वो जो गम की लाइन है वहाँ से सब साफ हो जाएं। और ये वाली जो पार्ट है यहाँ काफ़ी लोग मिस करते हैं, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या आप वो आपको हाइजीनिस्ट को रिफ़र करते हैं, तो कई लोगों के इस जगह पे बहुत जिसे हम कहते हैं टाटा वो जमा हुआ होता है, क्योंकि ये कई बार लोग मिस कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बस आगे से ब्रश करना है अंदर से ज़रूरत नहीं है। हालांकि दांत जहाँ भी दांत गम से निकलता है वो हर सर्फिस को साफ करना चाहिए, तो अंदर से ऊपर से बाहर से ऊपर वाले दांतों के भी अंदर से इस साइड पे भी यहाँ भी, अगर आप ऐसे करके किसी को देखेंगे तो यहाँ भी गम है अंदर, ये गम लाइन है, तो यहाँ भी आपने साफ करना है। तो सोचने में तो काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ गम्स दांतों को मीट करती हैं और जहाँ जरासीम हाइड करते हैं, तो आपने वो सब जरासीम को अच्छी तरह से साफ करना है, और 2 मिनट्स तो बहुत ईजिली गुजर जाते हैं इस काम में। और जो कुछ आपने बताया वैसे 2 मिनट क्या, मैं तो समझता हूँ कि 5-10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आपने इंडिविजुअली कहा और ये टेक्निक बड़ी अच्छी है, क्योंकि हर किसी से पूछें बच्चों से बड़ों तक हर कोई कहता है मैंने ब्रश किए हैं जी जी लेकिन वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जी आपने जैसे कहा जी। और टांग को भी, टांग को भी, जो जी जुबान को भी आपने करना जी है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ जो नहीं माउथ वॉश जी, ये भी ज़रूरी होते हैं जी, ये भी अच्छी बात है। माउथ वॉश के साथ माउथ वॉश में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगेन एंटी बैक्टीरियल टाइप के होते हैं, वो जो जर्म्स होते हैं उनको फाइट करते हैं। तो माउथ वॉश पहले ब्रश करना चाहिए, उसके बाद अगर आप दांतों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं कि ख़ास करके अगर आपको गम प्रॉब्लम है, गम डिजीज़ है, गम डिजीज़ में हम देखते हैं कि गम्स पीछे को श्रिंक होने लगती हैं और जो गम और दांत का जो जो जॉइन होता है वहाँ स्पेस आने लगती है, तो 2 दांतों के दरमियान एक स्पेस जहाँ जहाँ पहले कभी गम थी वो अब स्पेस बन जाती है, खला बन जाती है, तो उस जगह पे और भी खाना फंसता है, और भी जर्म्स फंसते हैं। तो ख़ास करके अगर आपको गम प्रॉब्लम है और गम पीछे को हट चुकी है और वो खला आपको नज़र आती है दांतों के दरमियान, उसको भी आपने साफ करना है, ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप ज़रूर होना चाहिए। खाली ब्रशिंग से सब सफाई नहीं अच्छी तरह से होगी, तो उसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप फ्लॉस यूज़ करें, जो धागा होता है उसको दांतों के दरमियान से अच्छी तरह से ट्राई करें कि साफ सफाई होए। और ब्रशेस भी मिलते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस कुछ इस किस्म के, ये बस थोड़ा सा ब्रिसल टाइप होता अच्छा है, तो आपने जो गम्स के जो दरमियान दांतों के दरमियान जो गम जहाँ हटी हुई है वहाँ आपने इसको अंदर
इस जगह पे लेकर जाना है जहाँ आपका टूथब्रश नहीं पहुँचता। इस किस्म के भी होते हैं और एक टूथपिक टाइप के भी ब्रश होते हैं, वो भी आपने हर दांत के दरमियान ऐसे अंदर को लेकर जाना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो 5-10 दफ़ा अगर आप ऐसे करें इनको, तो जो भी जरासीम छुपे हुए हैं वो भी निकल आएंगे। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, जब पिछली दफ़ा मैं पाकिस्तान में था तो जिस रेस्टोरेंट में भी आप जाएं वहाँ पर वो वुडन के टूथपिक नहीं वो दिए जाते थे खाने के बाद, जी जी क्या ये अप्रोप्रिएट है या? जी जी वुडन टूथपिक भी वो आई थिंक यूरोप में और एशिया में ज़्यादा मिलते हैं, इतना यूके बेस्ड आइडिया नहीं है। तो वो भी सेम आइडिया है कि आप कोई किसी चीज़ को लेके दांतों के दरमियान ट्राई करें कि आप किसी चीज़ को लूज करें या खाने को या जो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वो आप अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डैमेज भी कर सकते हैं। डैमेज कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से, दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्या काम करते हैं और उनकी देखभाल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अगर वो दांत गिरने लगे, हिलने लगे, उनमें कीड़ा पड़ जाए तो उससे क्या नुकसान होता है और उसके लिए क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है। तो ज़ाहिर है जब हमारे बहन भाई आपके पास आएंगे तो अक्सर हमारी कम्युनिटी में है कि जब तक दांत में दर्द ना हो, जब तक तकलीफ ना हो, उस वक्त हमने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। तो डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है और कब हमें जाना चाहिए? प्रिवेंशन इज की, हम यही बात एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं जब भी पेशेंट से इंट्रैक्शन होता है कि आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें। जो ये डेंटल डिजीज़ हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, या अगर आपको प्रॉब्लम है और इसको अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपकी ट्रीटमेंट होगी वो कम होए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए उस डिज़ीज़ की वजह से। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप डेंटिस्ट के साथ चेकअप करवाएं और एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स में ये इनफ गैप होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो वो हम जल्दी से उसको पिकअप कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। एंड अगेन बच्चों के लिए ये रूटीन बन जाती है कि एवरी 6 मंथ्स आपने डेंटिस्ट के सर्जरी जाना है, विज़िट करवाना है। कुछ लोगों को जो गम प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कहेंगे कि आपको इवन 3 मंथ्सली चेकअप करवाना चाहिए और क्लीन करवानी चाहिए ताकि जो गम डिजीज़ के जो आपके प्रॉब्लम है, जो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है, वो आपके डेंटिस्ट की सुपरविजन के साथ हो और एवरी 3 मंथ्स वो चेकअप करवाएं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से, मेरे साथ डॉक्टर सारा हुसैन मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइन खुली हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं health@umma.channel.tv। तो जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से तो क्या ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ब्रेक चाहिए, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद इंशाल्लाह इलाज पे बात होगी और उसके साथ साथ डॉक्टर सारा हुसैन हमें की मैसेज आप तक पहुंचा देंगे, कुछ टिप्स देंगे कि कैसे हम अपने आप को, अपने दांतों को सेहतमंद और बेहतर रख सकते हैं। इस ब्रेक के लिए एक इजाज़त दीजिएगा, उसके फौरन बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और ब्रेक के फौरन बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।